वो बेचारी तो कब से तुम्हारी नाराजगी की वजह तलाश कर रही है। वो परेशानी की वजह तलाश कर रही है, सब कुछ जानते पूछते हुए भी। मेरी परेशानी की असल वजह वो खुद है अम्मी, जब से वो मेरी जिंदगी में आई है। कर दो, अल्लाह को ऐसी बातें पसंद नहीं है। चाहती क्या है, कितने चेहरे सजाऊं अपने चेहरे पे, अपना असल चेहरा छुपाने के लिए। जिस दिन उसकी मोहब्बत को समझ लोगे ना, अपना असली चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं होगी। तो मत दुख दो उसे, खुश रहो उसके साथ, खुद भी सुकून से रहो और दूसरों को भी आराम और सुकून से रहने दो। तो यूं कहिए ना कि आपको फिर से खौफ लाख हो गया अपने आराम अपने सुकून को खोने का। फजूल बातें मत करो। मैं तो बस ये जानती हूँ कि जिस सजीला की मोहब्बत तुम्हें दोबारा तड़पा रही है ना, वो चार कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। जल्दी से लगा दो। आंटी नाश्ता तैयार है। शानी अब तक रेडी नहीं हुए? आ रहा है, अच्छी तरह से क्लास ली है। आपने डांटा है उन्हें? बेटा जो काम तुम नहीं कर सकती वो मुझे ही करना है ना। मैं तो नहीं डांट सकती उन्हें। अंदाजा है मुझे, जिससे प्यार करते हैं उसे डांट नहीं सकते। खुदा हाफिज़। शानी, शानी क्या हुआ? नाश्ता रेडी है, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? रहने दो बस। शानी, डांटा आंटी ने आपको और नाराज मुझसे हो रहे हैं। एक बात कहूं तुमसे, खुदा का वास्ता मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। मैं इंसान हूं, एक चलता फिरता आदमी हूं, कोई मोम का गुड्डा नहीं हूं जिसको जब जी चाहा अपनी मर्जी से मोल्ड कर लिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, मुझसे नहीं कहा ना, लेकिन सारी दुनिया मुझे दुहाइयां देती फिर रही हो कि मैं खुश नहीं हूं, खुश नहीं हूं। ऐसे खुश रह सकता हूं मैं? आपकी खुशी चाहना भी आपकी नजर में मेरी गलती है। बस कर दो यार, बंद कर दो ये फिलॉसफी। क्या कहा उसने? आंटी आंदा, मैं आपसे शानी के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका मेरी हिमायत में बात करना। बेटा तुम अगर मुझे अपना दुख नहीं बताओगे तो क्या मैं समझ नहीं सकती? मैं उसे बार बार डांटूंगी, माँ हूं उसकी, हक है मेरा उसके ऊपर। उसे तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना होगा। मेरी खुशी का नहीं, अपनी खुशी का। मेरी खुशी तो उनके खुश रहने में है। यार तूने ये क्या किया? हाँ, प्यार के काबिल कर दिया। यार तूने ये क्या किया? हाँ, प्यार के काबिल कर दिया।
मैं आपसे बात करता हूँ 5 मिनट में। आइए कहाँ गुम हो? यहाँ ऑफिस में हूँ। उस दिन के बाद से कोई रابطہ ही नहीं किया? कहीं फूफो ने बता तो नहीं दिया तुम्हारी बीवी को? नहीं, उसको नहीं पता कि मैं और अम्मी तुम्हारी तरफ गए थे। आखिर कब तक छुपाओगे? आगे बढ़ने के लिए बताना तो होगा ना उससे। हेलो, कहाँ गुम हो गए? चुप क्यों? तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर खोए खोए से क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा मूड खराब है। बीवी से लड़के आए हो? नहीं, खुद से लड़ो। तो खुद से लड़ना छोड़ दो और हिम्मत करो। मोहब्बत कर सकते हो, हिम्मत नहीं कर सकते? मेरी हिम्मत तो हर बार तुमने ही तोड़ी है सचिला। अब मैं ही तुम्हारी हिम्मत बनना चाहती हूँ शानी। उसके लिए भी बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। तो तुम्हें अभी तक मेरा अंदाजा हुआ ही नहीं। जो मोहब्बत में तुम्हें आजमा सकती है वो खुद भी किसी भी आजमाई से गुजर सकती है। मसलन? बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। बाहर का सारा काम हो गया अब तक? जी बेगम साहब। तो फिर जरा किचन में जाके देखो खाना की क्या पोजीशन है। ठीक। शानी से बात हो गई बेटा? नहीं आंटी, मैंने फोन नहीं किया। कर लेते हैं। मुझे यकीन है कि वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होगा, लेकिन वो इंतजार कर रहा होगा कि तुम उसे कॉल करो। आपको लगता है कि वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे? कभी कभी निदामत का बोझ इंसान के लिए माफी मांगने को बहुत मुश्किल बना देता है। मैं कभी भी नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से नादिम हो या मुझसे माफी मांगे। नहीं होगा नादिम तो मैं फिर क्लास लूंगी उसकी। मैं आपको बताने आई थी कि मैं शानी के पास जा रही हूँ उसके ऑफिस। शानी ने नाश्ता नहीं किया तो हम दोनों कहीं बाहर जाकर लंच करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दूसरे के मनाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें यकीन दिलाने जा रही हूँ कि मेरी वजह से अब आप उन्हें कभी नहीं डांटेंगी। लेकिन उसकी नादानियों पे तो जरूर डांटूंगी मैं, चाहे तुम्हारी सिफारिश क्यों ना हो। मैं जा रही हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। एंजॉय करना।